बुलडोजर राज में धराशायी बंदूकबाज। दरअसल एबीपी गंगा पर कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे बरेली के सपा विधायक शहजील इस्लाम ने बीजेपी को लेकर गोली वाली बोली का इस्तेमाल किया था और आज उन्हीं के पेट्रोल पंप पर बाहुबली बुलडोजर चल गया। कुछ यही बात हम आपको यहां ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं। बाबा का बुलडोजर राज धराशायी हुआ बंदूकबाज। योगी के खिलाफ उगला जहर, अब टूटा बुलडोजर का कहर। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। शामली में चला बुलडोजर, मथुरा में चला बुलडोजर, अंबेडकर नगर में चला बुलडोजर, औरैया, अमेठी और आजमगढ़ में भी चला बुलडोजर। यानी जिला जिला बाहुबली बुलडोजर से अवैध मकान धराशायी हुए। बुलडोजर जब बरसता है तो किसी का रसूख नहीं देखता। ताजा मामला बरेली के भोजीपुरा का है, जहां बंदूक वाली बोली बोलने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बाहुबली बुलडोजर। ये वही शहजील इस्लाम है जिन्होंने 2 अप्रैल को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर्षिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से बिगड़े बोल बोलने पर भी शहजील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन बुलडोजर की धमक से शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप धराशायी हो गया। दरअसल शहजील इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने परसा खेड़ा नेशनल हाईवे 24 पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, बगैर नक्शा पास करवाए उससे बनवाया, जिसके बाद बीडीए ने लगातार नोटिस दी, लेकिन शहजील इस्लाम की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। बस इसके बाद ही शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर श्री शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। सिर्फ शहजील इस्लाम ही नहीं, इससे पहले कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। उनके अलावा बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मेरठ शहर के बीचों बीच मौजूद ये याकूब कुरैशी का अस्पताल है जिसे सील कर दिया गया है। यानी योगी राज में शख्स कोई भी हो, संपत्ति अगर अवैध होगी, जमीन पर कब्जा होगा तो तय है गाज गिरेगी ही। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब बात करते हैं कार्रवाई के उस बुलडोजर की जो अधिकारियों की तरफ घूमने वाला है। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद लगभग हर जिले में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब अवैध निर्माण या अवैध कब्जा हो रहा था तब बुलडोजर चलाने वाले ऑफिसर्स कहाँ थे? 30 मार्च को जब लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई तो एबीपी गंगा ने ये सवाल डंके की चोट पर उठाया था, और अब ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार हो रही है, ऐसे इंजीनियर्स की अब शामत आने वाली है। सावधान हो जाएं अफसर, चलेगा एक्शन का बुलडोजर। ऑपरेशन स्कैन की तैयारी, अब अधिकारियों की बारी। योगी राज में बुलडोजर की ये धमक और ये गरज खूब सुनाई दे रही है। इसे सीएम योगी के वचन ही है शासन की मिसाल माना जा रहा है। जहां भी अवैध इमारत है, जहां भी दबंगई के दम पर कब्जा है, वहां बुलडोजर जमकर चल रहा है। लेकिन सुलगता और चुपता सवाल तो ये भी पूछा जाने लगा है, जब अवैध तरीके से इन इमारतों को बनाया गया तब अधिकारियों ने आंखें क्यों मूंद ली? अब इसी बात का जवाब योगी सरकार भी तलाश रही है। खबर है, अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लखनऊ में जिस यजदान बिल्डर्स ने अवैध अपार्टमेंट खड़ा किया था, उसे संरक्षण देने वाले अधिकारी भी नपने वाले हैं। बताया जा रहा है 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहने वाले अपर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशाषी अभियंता का ब्यौरा सरकार तक पहुंचाने की तैयारी हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने पूरी डिटेल मांगी है। कैसे खड़ी हो? एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी गंगा ने यही सवाल 30 मार्च को तब उठाया जब लखनऊ के यजदान अपार्टमेंट पर कार्रवाई हुई थी। खड़ी होगी कैसे? खड़ी हो गई, आप बताइए, जोनल अधिकारी खड़ी कैसे हो? आज आप तोड़ रहे हैं नौकरी में 15-20 साल से, खड़ी कैसे हो? पहले अवैध इमारतें खड़ी कैसे हो जाती? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर किया गया था, इसके बाद उन्हें कंपाउंडिंग मैप। अरे भैया, एक दिन में खड़ी होती है इतनी बिल्डिंग? ये बड़ी बिल्डिंग, इसमें जेसीबी लगाए हो, 30 मजदूर लगाए हो, तो इसमें पैसा लगता है ना। ये सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी नहीं, तो किस हैसियत से आप आए? चलिए ठीक है, मैं अपना अनुपालन करने अनुपालन कर रहे हैं, आप बताइए। बस ठीक है। अब खबर ये भी है कि कार्रवाई का बुलडोजर ताबड़तोड़ तरीके से चलेगा। खबर मिल रही है 6 महीने के अंदर लखनऊ में 400 अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स की लिस्ट तैयार कर ली है। जिन इमारतों की लिस्ट तैयार हुई है उसे तोड़ने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इन 400 अवैध निर्माण में से 90% सिर्फ अपार्टमेंट है। जिन इमारतों पर कार्रवाई होगी उसमें लगभग 10,000 फ्लैट और दुकानें हैं। जिन इमारतों को जमींदोज करना है उसकी लिस्ट प्रवर्तन के सभी जोनल ऑफिसर्स को सौंपी जा चुकी है। मतलब पहले अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे और फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलेगा जिनके संरक्षण में इमारत सीना तान कर इतनी ऊंची खड़ी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, योगी राज 2.0 में बदमाशों के खिलाफ जारी है यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, यानी वो अभियान जिसके खौफ से अपराधियों में जबरदस्त कोहराम मचा है। जगह जगह या तो अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं या फिर कानून के रखवालों के गिरफ्त में आ रहे हैं। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की कई तस्वीरें सामने आई। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, सुधर जाओ, सरेंडर कर दो, वरना खैर नहीं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, जारी है बदमाशों का सफाया। 14 दिन में कितने एनकाउंटर, दहशत से कहां कहां सरेंडर। भैया जी अब ना करूंगा, भैया जी अब ना करूंगा, भैया जी अब ना करूंगा।
ये योगी सरकार 2.0 में यूपी पुलिस का एक्शन अवतार है। यहाँ हापुड़ से सहारनपुर तक बदमाशों को कानून के रखवालों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले आपको हापुड़ की तस्वीर दिखाते हैं। लंगड़ा कर चल रहे बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। दरअसल दो दिन पहले ही इन बदमाशों ने किराना व्यापारी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई और आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनमें से दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि कुल तीन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। थाना हापुड़ देहात स्थित जरोठी रोड पर अभी कुछ देर पूर्व थाना हापुड़ देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। उक्त मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी एवं कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती पूछताछ में इन तीनों द्वारा दिनांक 5 अप्रैल को करी गई इंदरलोक में व्यापारिक प्रतिष्ठान की लूट को स्वीकार किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। अब आपको प्रयागराज से सामने आई ऐसी एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ यमुनानगर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट जैसी संगीन अपराधों को अंजाम देने वाला 25,000 का इनामी अपराधी दीपक सिंह उर्फ राहुल गोली लगने से घायल हो गया। संबल में भी ऐसा ही मंजर नजर आया, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवानों ने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में इनके पैरों पर गोली लग गई, जिसके बाद दो को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना असमौली के अंतर्गत संबल असमौली मार्ग पर आज पुलिस पार्टी के साथ में कुछ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके तीन अन्य साथी हैं जो यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ मौके से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिल अभी कुछ दिन पहले एक जगह से असमौली थाने के अंतर्गत ही लूट में गई थी। इसको ढूंढने का प्रयास चल रहा था। इसी कोशिश के अंतर्गत इन लोगों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये जो बदमाश है इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर में भी चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। हालांकि तलाशी के बाद फरार अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरदोई में ज्वेलर के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से लूट के गहने भी बरामद हुए। रात्रि में दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिल से, जिनको रोकने का प्रयास किया गया किंतु वो नहीं रुके और इस रास्ते की तरफ भागे। यहाँ जब उनको घेरा गया तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो यहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश जो भागने की फिराक में था उसको भी घेर कर पकड़ लिया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि एक जिस बदमाश को गोली लगी है उसका नाम अजीत है और दूसरा जो गिरफ्तार है उसका नाम विकास है। इन्होंने स्वीकार किया पूछताछ में कि जो कल यहाँ मल्लावा में घटना हुई है ज्वेलर से लूट की, वो उन्होंने की थी अपने अन्य साथियों के साथ। दरअसल योगी सरकार 2.2 में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है तो दूसरी तरफ डर और दहशत में अपराधी सरेंडर करने को मजबूर है। 15 मार्च 2022 को सहारनपुर के थाना चिलकाना में 12 हिस्ट्री शीटर ने अपराध न करने की कसम खाई थी। 16 मार्च 2022 को शाहजहांपुर में कुख्यात बदमाश सुन्नी उर्फ टुइया ने अपराध से तौबा किया। सहारनपुर के थाना गागल हेडी में 8 हिस्ट्री शीटर और अपराधियों सरेंडर किया। 24 मार्च 2022 को शामली में 18 बदमाशों ने सरेंडर किया। 1 अप्रैल को थाना चिलकाना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों ने सरेंडर किया। 3 अप्रैल को गुंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया। 5 अप्रैल 2022 को रामपुर के लाल डैम में हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गोली मारकर लंगड़ा कर दिया था। 5 अप्रैल को चंदौली में 25,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। वहीं 6 अप्रैल को थाना नातोना में शबरून हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर किया। यही है योगी राज 2.2, जहां अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब बात लॉकर वाले घोटाले की, क्योंकि कानपुर के सेंट्रल बैंक के लॉकर से पिछले 24 दिनों में करीब 212 लॉकर खोले गए, जिनमें से 9 लॉकर्स में से 3 करोड़ के गहने गायब मिले हैं। ये गहने गए कहां, ना तो बैंक बता रहे हैं ना ही पुलिस कुछ कह पा रही है। बैंक लॉकर का ब्लैक होल, लॉकर खोला खजाना खाली। हिंदुस्तान के घर घर में जीवन भर की कमाई खुद की चार दीवारी से ज्यादा महफूज रखी जाती है, तो वो है बैंक। लेकिन क्या होगा जब आप कई साल अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी दौलत किसी बैंक के लॉकर में जमा कर बेफिक्र हो जाए और एक दिन आपको पता चले
कि आपके लाखों करोड़ों की बेशकीमती अमानत गायब हो गई। दरअसल जो बात सुनने में आपको बेहद चौंकाने वाली लग रही है, वैसा ही वाक्य इन दिनों कानपुर के सेंट्रल बैंक में सामने आ रहा है। यहाँ लॉकर में ग्राहकों का सामान लापता हो रहा है। मुझको लेके गए मेरे लॉकर रूम पे, मेरी जो की थी वो मैच नहीं कर रही है, लॉकर मेरे की से खुल नहीं रहा है, तो इन्होंने ब्रोकन करने के लिए कहा कि मैं ब्रोकन करवाता हूँ। वो आज तक ब्रोकन नहीं हो पाया। मेरे साथ में जो सज्जन थे उनके साथ भी यही पोजीशन थी, उनका लॉकर कल जब ब्रोकन किया गया तो वो खाली मिला। दो बार तीन लोगों के लॉकर खोले जा चुके हैं और उसमें लोगों के सामान जो भी रखा था वो सब गायब हो गया है। बीते 24 दिन में कुल 212 लॉकर खोले जा चुके हैं, जिनमें 9 लॉकर्स में सामान गायब मिला। इनमें से करीब 3 करोड़ के गहने गायब मिले। अब परेशान होकर लोग बैंक कर्मचारियों से उलझ रहे हैं। बैंक का स्टाफ अब आने वाले लॉकर होल्डर्स को बकायदा टोकन देकर ग्राहकों को पुलिस की मौजूदगी में लॉकर चेक करवा रहा है। परेशान हाल ग्राहक सुबह सुबह ही बैंक पहुंच रहे हैं, अपने लॉकर में सुरक्षित समझकर रखे गए सामान को देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। लॉकर के लिए आया हूं मैं भी, मेरे को पेपर में पता चला, न्यूज आई है कि लॉकर से माल गायब हो रहा है, तो मम्मी भी है, तो हम लोग अपना लॉकर चेक करने आए हैं। डर लग रहा है कि जो सालों से जमा पूंजी कर रखी है वो एक मिनट में ऐसे निकल जाएगी। वही पुलिस ने इस मामले की जाँच के लिए SIT गठित कर दी और जाँच जारी होने की बात कही जा रही है। बैंक की अथॉरिटीज़ है, उनसे भी हमारी टीम ने बात करी है, वो जो वहाँ पे मैनेजर वगैरह हैं जो टीम है, तो ऐसा लगता है चूँकि लॉकर अंडरग्राउंड जो कि लॉकर्स अंडरग्राउंड में थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बैंक का ही कोई कर्मी है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। हम इन सारे बिंदुओं पर वर्क कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी गठित करी है, एक इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर DCP क्राइम के अंडर में, जो लगातार सभी से पूछताछ करके इसको घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रही है। इस अजीबोगरीब बैंक घोटाले का खुलासा तब हुआ जब एक एक करके तीनों बैंक ग्राहक अपने बैंक लॉकर में रखे सामान को चेक करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉकर खोले उनके होश उड़ गए। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।